hello students students of class 9th and 10th right now as you all know our determiners chapter which is part of section b grammar it is going on and in that we have discussed our articles then demonstratives and today we are going to study possessives and distributives so for those who could not attend the previous lectures a quick revision for them determiners now what are determiners we are discussing determiners here determiners are the words which is used before nouns to indicate a particular person or thing and now we can categorize determiners in six parts articles demonstratives possessives distributives quantifiers interrogatives and in that, we have discussed articles and demonstratives. Today, we are going to study possessives and distributives. So, let's continue. Possessives, adjectives such as my, his, your, are, their, etc., are used to indicate possession or belonging of the noun and are used before a noun in a sentence. पोजिशिवस में जो हमारे एडजेक्टिव हैं जैसे कि माई हिज योर आर वो सारे वर्ड्स जिससे कि आपका ओनरशिप जाहिर होता है बिलोंगिंगनेस जा, जाहिर होती है पोजिशन या अधिकार जाहिर होता है उसको हम पोजिसिव डिटर्मिनर कहते हैं और ये नाउन से पहले आते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इट इज़ हिज बुक वट डज इट मीन इट मीन्स दिस बुक बिलोंग्स टू हिम इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये आपकी बुक है इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये उसकी बुक है तो हिज बुक माय बुक ठीक है तो ये क्या है इससे आपका पजेशन जाहिर हो रहा है बिलोंगिंगनेस uh, जाहिर हो रही है दिस बुक बिलोंग्स टू हुम किसकी है नाउन से पहले आ रहा बुक इज नाउन नाउन से पहले आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा ये माय हो जाएगा या हिज हो जाएगा दैट इज पजसेसिव डिटरमिनर Now let's see some more example. I gave my sandwich to his brother. Whose sandwich? My sandwich. तो इससे belonging जाहिर हो रहा है possession जाहिर हो रहा है right जाहिर हो रहा है तो जो possession show करे वो आपका क्या हो जाता है possessive हो जाता है और noun से पहले आ गया तो क्या हो जाएगा Determiner हो जाएगा तो ये हो जाएगा my possessive determiner. और क्या है इसमें possessive determiner? His is also possessive determiner. क्या है His है और नाउन से पहले आ रहा है तो पॉजिटिव डिटर्मिनर हो जाएगा क्यों क्योंकि ये जाहिर जाहिर कर रहा रहा है है हो तो ये क्या हो जाएगा माई आपका हो जाएगा बैग इज ऑल्सो नाउन बैग नाउन है नाउन से पहले आपका हर का यूज हो रहा है क्या हो जाएगा पॉजिटिव है और चूंकि ये नाउन से पहले यूज हो रहा है तो हो जाएगा द हाईलाइटेड एजेक्टिव शो पोजे और बिलोंगिंग एंड आर पॉजिटिव डिटर्मिनर्स दीज कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर काउंटबल और अनकाउंटबल फॉर एग्जाम्पल माई बुक आवर ड्यूटी योर पर्सेज तो इससे ये जो आपके पोजेशन शो करने वाले डिटर्मिनर्स हैं जो कि पजिटिव डिटर्मिनर्स हैं ये आपके प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स दोनों से पहले यूज हो सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है तो इस पॉजिटिव डिटर्मिनर को हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी फॉर एग्जाम्पल माई बुक आर ड्यूटी यू कांट काउंट योर ड्यूटी है तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया योर प्लूरल नाउन हो गया तो इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ तो ये जो है पर्सन या थिंग को इंडिविजुअली एक एक करके बात करते हैं एक बार में यानी डिवाइड करके इंडिविजुअली बात करते हैं इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं ईच एवरी ईदर नीदर ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें यूज होते हैं इनका यूज हम करते हैं ताकि हम ईच वन हर एक नाउन को इंडिविजुअली इंडिकेट कर सके नाउ लेट्स सी हाउ ईच एंड एवरी आर यूज वी यूज ईच वेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली हम ईच की बात कब करते हैं जब हम सेपरेटली चीजों की, की बात करते हैं वन बाय वन, इंडिविजुअली एक एक करके हम चीजों की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉक टू ईच चाइल्ड, यानी हर एक बच्चे से बात करिए। तो हियर वी विल यूज ईच नाउ लेट सी हाउ वी यूज एवरी वी यूज एवरी वेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज अ ग्रुप द मीनिंग इज विदाउट एक्सेप्शन जब हम कलेक्टिवली चीजों के बारे में बात करते हैं विदाउट एनी सेपरेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन तो उसके लिए हम एवरी का यूज करते हैं एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड प्रोटेक्शन हर बच्चे को लव और हिफाजत प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वी कांट एक्सक्लूड एनी चाइल्ड वेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड तो यानी एवरी चाइल्ड को जरूरत है तो ईच एंड एवरी का यूज कैसे करना है ईच बात करता है सेपरेटली इंडिविजुअली और

अब यहां पे एक और आपका डिफरेंस एंड एवरी में each आप small numbers के लिए बात करते हो क्या है या तो वन और टू होना चाहिए या जो भी ग्रुप की अगर बात करो तो वो लिमिटेड एवरी क्या है लार्ज नंबर के लिए बात करते हो और इनडेफिनेट चीजें होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हैज द सेम लेंथ तो हम स्क्वायर की बात करें तो उसमें ईच साइड जो है सेम लेंथ है एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज और हर कंट्री तो कले आपका जो कलेक्टिवली हम इंडियन की बात कर रहे हैं तो वो वास्ट हो गया बहुत बड़ा हो गया तो लार्ज नंबर के लिए हम एवरी यूज़ लिए, लिए हम का यूज़ करते हैं और स्मॉल अमाउंट के लिए स्मॉल नंबर के लिए हम ईज का यूज़ करते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ ईदर ईदर हैज़ टू मीनिंग्स द फर्स्ट वन इज एनी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स पहला तो हो गया कि दो डिफरेंट पर्सन में से दो डिफरेंट थिंग में से कोई एक यू कैन टेक इधर बस एनी ऑफ द टू बसेस कोई भी आप बस यहां से ले सकते हो ना तो जब हम दो चीजों में से जब किसी एक की बात करते हैं तो उसके लिए हम इधर का यूज करते हैं ये तो आपका हो गया फर्स्ट यूसेज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट इधर बुक कैन सर्व माई पर्पज इक्वली वेल यानी दोनों में से कोई भी बुक मेरे पर्पज को फुलफिल कर देगा दोनों मेरे लिए सफिशियंट है तो एनी ऑफ द बुक दोनों में से कोई भी पर कई बार ऐसा होता है कि इधर का यूज आप बोथ के सेंस में भी करते हो फॉर एग्जाम्पल टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव कम अप ऑन साइड ऑफ द रोड यहाँ पे क्या है इधर का यूज आपके बोथ के सेंस में हो रहा है यानी टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं रोड के दोनों साइड्स पे बन गई हैं नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ नीदर नीदर इज द अपोजिट ऑफ ईदर इट मीन नॉट द वन नॉट द अदर नीदर जो है आपका ईदर का एकदम अपोजिट हो जाता है इसका मतलब होता है कि उन दोनों में से कोई भी नहीं फॉर एग्जाम्पल नीदर कैंडिडेट डिजर्व आवर सपोर्ट उनमें से कोई भी कैंडिडेट हमारा सपोर्ट डिजर्व नहीं करता है यू शुड टेक नीदर साइड आपको किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए कोई भी साइड नहीं लेनी चाहिए तो

The uses of possessive determiners and what are distributive determiners? The uses of distributive determiners. I hope you understood it well. Okay, keep studying and keep learning well. Thank you all.